पानी लेकर आना। जी अभी लाइए। अरे राहुल जी इतने टेंशन में क्यों हो? इतने टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, तो क्यों ना हम अपने गांव चले घूम आते हैं। वैसे भी बिना काम के यहाँ रुकेंगे तो खर्च कैसे चलेगा? राहुल से बोलती है। राहुल जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास है? 3 समाज सेवक भाइयों, आप लोग जाओगे कैसे? गांव शहर सभी यातायात के साधन बंद हैं। हमें अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है। वैसे भी मेरे सास ससुर और गांव में मेरे परिवार वालों की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक लॉकडाउन होता है हम अपने गांव घूम आते हैं। इन लोगों की भीड़ कहाँ जा रही है सुनो। सर हम अपने गांव जा रहे हैं, वैसे भी हमारे पास खाने के लिए राशन खत्म हो गया है और गांव में हमारे परिवार वाले भी बीमार हैं। राहुल काजल को बताती है उस तरफ। राहुल जी वो देखिए हमारा कुछ सामान पड़ा है। आप लोग हमसे क्या मदद चाहते हो? सर हमने नाश्ता पानी नहीं किया है, अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। नाक ढकने की बात लेकर बैठ गई। नहीं बाबू जी माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी माँ जी को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। माँ जी ये कोई फैशन नहीं है, मुंह नाक ढकना, मास्क लगाना। मास्क लगाने से दूषित वायु हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती, इससे और हमारे शरीर में होने वाले नजला जुकाम खांसी जैसी बीमारियों को रोकता है।